आप अपने तबस्सुम टॉकीज को जरूर कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आदाब, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी तबस्सुम और आप देख रहे हैं तबस्सुम टॉकीज। सितारे लपेटे हुए ओ जान तमन्ना किधर जा रही हो, जरा पास आओ तो चैन आ जाए, जरा पास आओ तो चैन आ जाए। दोस्तों, डिजायर को हिंदी में कहते हैं इच्छा और उर्दू में कहते हैं ख्वाहिश। और आज जिस मशहूर हस्ती की मैं बात कर रही हूँ, उन्हें बचपन से ही शेर व शायरी का बहुत ज़्यादा शौक था और वो चाहते थे कि एक दिन वो हिंदुस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के टॉप मोस्ट गीतकार बन जाएं, और उनकी ये ख्वाहिश पूरी हो गई। और वो थे उर्दू के मशहूर शायर और बेहतरीन गीतकार हसरत जयपुरी। तुमने बुगारार हम चले आए, दिल हथेली पर ले आए रे। पंद्रह अप्रैल 1922 में पैदा हुए थे हसरत जयपुरी जयपुर में, जो राजस्थान में है। उनके पिता मिलिट्री में थे और उनका नाम था नाजिम हुसैन। हसरत भाई की माँ का नाम था फिरदौसी बेगम और हसरत भाई का असली नाम था इकबाल हुसैन, और हसरत उनका तखल्लुस था। फलसफा प्यार का तुम क्या जानो, फलसफा प्यार का तुम क्या जानो, तुमने कभी प्यार ना किया, तुमने इंतजार ना किया। हसरत भाई के दो भाई हैं और दो बहनें। छोटी बहन का नाम है जुबैदा और बड़ी बहन का नाम है बिलकिस। और बिलकिस आपा की शादी हुई थी अपने वक्त के बहुत ही मशहूर संगीतकार सरदार मलिक के साथ, और उनके तीन बेटे हैं, अबू मलिक, डब्बू मलिक और सबसे बड़े बेटे अन्नू मलिक, और वो बहुत मशहूर संगीतकार हैं। हसरत भाई को शेर व शायरी विरसे में मिली थी। उनके जो नाना थे वो अपने वक्त के बहुत ही मशहूर और बड़े शायर थे, और उनका नाम था फिदा हुसैन फिदा, और वो हसरत भाई के उस्ताद भी थे। अगर तेरी जलवा नुमाई न होती, खुदा की कसम ये खुदाई न होती। अगर आप तुमसे मिलाई न होती, मेरी जिंदगी लात आई न होती। शेर व शायरी का शौक हसरत भाई को बचपन से था, और जब वो बड़े हो गए, जवान हो गए, तो शेर व शायरी का ये शौक जो था वो जुनून में तब्दील हो गया, जुनून बन गया। और ये बात हसरत भाई की माँ फिरदौसी बेगम को जरा भी पसंद नहीं आई। उन्होंने एक दिन साफ साफ कह दिया कि देखो भाई, शेर व शायरी का ये शौक एक दिन तुम्हें ले डूबेगा और तुम जिंदगी भर कभी भी कुछ भी नहीं कर पाओगे, इसलिए अगर तुम्हें शायरी करनी है तो तुम मेरे घर से चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, लेकिन यहाँ से चले जाओ। रह रह के हंसा है मेरी हालत पे जमाना, क्या दुख है मुझे ये तो किसी ने भी न जाना, क्या दुख है मुझे ये तो किसी ने भी न जाना। खामोश खामोश मोहब्बत लिए फिरता ही रहा हूँ मैं, जिंदगी में हरदम रोता ही रहा हूँ। 1940 में हसरत जयपुरी ने अपना घर छोड़ दिया और जयपुर से मुंबई चले आए, बिल्कुल खाली हाथ, अपने साथ एक पैसा भी नहीं लाए थे। वो कहते थे कि मैं अपनी रोजी रोटी खुद कमाऊंगा, और वो भी कलम के जरिए। अरे चांद तारों से चलना है आगे, आसमान
आएगा ये जमाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना, आज जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। मुंबई आने के बाद हसन भाई को बहुत ज्यादा स्ट्रगल करनी पड़ी, ना खाने पीने को कुछ था और ना ही रहने का ठिकाना, रात को फुटपाथ पर सो जाते थे और सुबह होते ही काम की तलाश में निकल पड़ते थे। कुछ अरसे के बाद हसरत भाई को एक नौकरी मिल गई और आपको सुन के बड़ी हैरत होगी कि वो नौकरी थी एक बस कंडक्टर की। हसरत भाई कहते थे कि मैं बहुत ज़्यादा हुस्न परस्त हूँ और इस बात का सबसे बड़ा सबूत यह है कि जब भी कोई हसीन और खूबसूरत लड़की बस में आके बैठती थी तो मैं उससे टिकट के पैसे भी नहीं लेता था, बस देखता रहता। तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे चश्मे बदू, मुखड़े को छुपा लो आंचल में कहीं मेरी नजर ना लगे चश्मे बदू। हसरत भाई बहुत रोमांटिक थे और खूबसूरत लड़कियों से टिकट के पैसे भी नहीं लेते थे और तनख्वाह भी बहुत कम थी, तो क्या करते, इसलिए उन्होंने मुशायरे पढ़ने शुरू करे। नजर में दर्द लाया हूँ, नजर में प्यार लाया हूँ, मोहब्बत के हसी दामन का मैं भी एक साया हूँ, न जाने क्या कशिश है आपकी बंदा नवाजे में कि मैं दीवाना होकर आपकी महफिल में आया हूँ। एक दिन जब वो मुशायरे में अपना कलाम पढ़ रहे थे तो राज कपूर के पिता पृथ्वीराज जी कपूर ने उन्हें देखा, उनका कलाम सुना और बहुत ज्यादा प्रभावित हो गए और फौरन अपने बेटे राज कपूर से मिलवा दिया। राज कपूर उस दौर में एक फिल्म बना रहे थे और उस फिल्म का नाम था बरसात और उसमें राज कपूर दो नए संगीतकारों को ब्रेक दे रहे थे और वो संगीतकार थे शंकर और जयकिशन, और उसी फिल्म में राज कपूर ने दो नए गीतकारों को भी ब्रेक दिया और वो थे शैलेंद्र और हसरत जयपुरी। सूरज देखे चंदा देखे सब देखे हम तरसे हो, सब देखे हम तरसे, जैसे बरसे कोई बदरिया ऐसे अखियां बरसे, जैसे बरसे कोई बदरिया ऐसे अखियां बरसे, ऐसे अखियां बरसे, दिया बेकरार है छाई बहार है तो चलो रे बालना तेरा इंतजार। शंकर जयकिशन, शैलेंद्र और हसरत जयपुरी की टीम काफ़ी अरसे तक फिल्मी संगीत पे राज करती रही, लेकिन अफसोस कि 1971 में जयकिशन ये दुनिया छोड़ के चले गए और उसके बाद ये टीम टूट गई, लेकिन फिर भी उसके बाद हसरत जयपुरी ने कई बड़े बड़े संगीतकारों के साथ गाने लिखे जो बहुत सुपरहिट साबित हुए। सुन सुन से बसुन प्यार की धुन, मैंने तुझे चुन लिया तू भी मुझे चुन। 1953 में हसरत भाई की शादी हो गई, उनकी बीवी का नाम था बिलकिस, वो बहुत अच्छी और बहुत प्यारी थी और बहुत ही शांत स्वभाव की थी, इसलिए प्यार से हसरत भाई अपनी बीवी को कहते थे चंदा। बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है, हवाओं रागनी गाओ मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। उनके तीन बच्चे हैं, दो बेटे अख्तर हुसैन और आसिफ हुसैन, और एक बेटी है वो भी बहुत प्यारी है और उसका नाम है किश्वर, और उसकी शादी हुई है उसके फूफा सरदार मलिक के भतीजे से और उसके शौहर का नाम है बादशाह। सब बहुत खुश हैं क्योंकि सब के सब लाइफ में वेल सेटल्ड हैं। हसरत भाई अपनी माँ को बहुत ज़्यादा चाहते थे और बेपनाह मोहब्बत करते थे और हमेशा कहा करते थे कि मेरी माँ के गुस्से में और नाराज़गी में उनका प्यार छुपा होता है, आज मैं जो कुछ भी हूँ सिर्फ अपनी माँ की बदौलत। 17 सितंबर 1999 वो भयानक दिन था दोस्तों जब हसरत जयपुरी ये दुनिया छोड़ के चले गए।
एक काफ़ी लंबी बीमारी के बाद आज हसरत जयपुरी हमारे दरमियान नहीं है, लेकिन जब तक ये दुनिया रहेगी उनका कलाम और उनके बेहतरीन गाने हमेशा उनकी याद को ताज़ा रखेंगे। हाँ तुम मुझे बुला न पाओगे, जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे संग संग तुम भी गुनगुनाओगे। तो दोस्तों मैं ऐसी बातें भी आपके साथ शेयर करती रहूंगी। आप देखते रहिए तबस्सुम टॉकीज, करते रहिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब।